गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच। उस रिपोर्टेड स्पीच में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जाना। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, आरएस विद ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहली बात तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम आरएस विद रिपोर्ट, आरएस विद ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। आरएस विद ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार से हम क्या करेंगे बनाएंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं कि वे सेंटेंसेस जिसमें कर्स, विस, ब्लेस आदि का क्या हो, सेंस हो, ठीक है। कि ऐसे सेंटेंस जो विस, ब्लेस, कर्स आदि का क्या रखते हो, सेंस रखते हो, वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्लियर। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो, तो सबसे पहले इसकी पहचान है कि आरएस का जो सेंटेंस है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच है हमारा, आरएस का जो सेंटेंस है वो मे से स्टार्ट होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है ऑप्टेटिव सेंटेंस कि आरएस का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, क्लियर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए आपको एक की पहचान ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि आरएस का जो सेंटेंस है वो मे से स्टार्ट होगा और साथ में क्या मिलेगा आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, विस्मयादी बोधक चिन्ह मिलेगा, क्लियर। ये है, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो कैसे बनाएंगे कि आरवी का जो सेट टू होगा, आरवी का जो हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेट टू होगा, इस आरवी के सेट टू को, आरवी का जो सेट टू होगा उस आरवी के सेट टू को आरएस के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। आरवी के सेट टू को आरएस के सेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, यदि विस्क, ठीक है, यदि किसका सेंस है, विस्क का सेंस है, तो आरवी के सेट टू को हम विस्क में चेंज कर देंगे, शुभकामना, ठीक है। यदि ब्लेस का है तो किसमें चेंज कर देंगे, ब्लेस में चेंज कर देंगे। यदि आशीर्वाद का है, ठीक है, श्राप का है तो किसमें चेंज कर देंगे, कर्स में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्लियर। और यदि सेंस का हमें पता नहीं चल रहा तो हम आस्क में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेम है तो प्रेड में कर देंगे, जो भी सेंस आए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहला रूल से हमारा कि आरएस का जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा और वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो वो सेंटेंस होगा आरएस विद ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि आरवी का जो सेट टू आएगा उसको विस्ट में, उसको ब्लेस में, कर्स में, प्रेड में या आस्क में उनके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्लियर। दोनों सेंटेंसेस को हम टू किससे जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट से जोड़ देंगे, किससे जोड़ेंगे, दैट से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। जो कॉमा रिलेटेड कॉमा होता है उसको हटाकर हम संयोजक चेंज करेंगे, दैट का यूज करेंगे और जो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है उसको हम हटा देंगे और मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, को किसमें चेंज कर देंगे, माइंड में, ठीक है, सब्जेक्ट के पीछे आके मे को माइंड में चेंज कर देंगे, बस ये आपका रिपोर्टेड स्पीच क्लियर है, क्लियर। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल के द्वारा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो हम एग्जाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, और एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो देखो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम कहते हैं जैसे मोहित, मोहित सेड टू मी, मोहित सेड टू मी, मी यू लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्लियर, कि मोहित सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मोहित सेड टू मी कि मोहित ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो आर एस का वर्ब किससे स्टार्ट हुआ है, मे से हुआ है, नहीं हुआ, यस हुआ है, राइट, ठीक, और वर्ब के रूप में क्या आया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, राइट, ठीक, ये हमारी पहचान है कि आर एस का वर्ब मे से स्टार्ट हो और वर्ब के रूप में क्या है, विस्मय आदिबोधक चिन्ह आए। अब बनाओ, अब बनाएंगे कैसे, मोहित का, मोहित सेड टू का हमने बताया कि सेड टू को विस ब्लेस का इसमें चेंज कर देंगे, तो मोहित कह रहा है मुझसे, जैसे मोहित सेड टू मी, मोहित ने मुझसे कहा कि भाई मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम क्या रहो खूब जियो, ठीक है, तुम क्या कर रहा है, विस कर रहा है, शुभकामना कर रहा है, ठीक है, ब्लेस भी मान सकते थे यदि कोई बड़ा व्यक्ति है, लेकिन इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसलिए मोहित और सेड टू चेंज किस हो जाएगा, विस में, कि मोहित विस टू मी, क्लियर, दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ देंगे, दैट से जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया कि दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ेंगे हम, दैट से जोड़ेंगे, तो दैट कर दिया, क्लियर। अब जैसा रूल से हमारा भाई है, यू को चेंज करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, यस, यही हमारी फॉर्मूला, कौन सा, कि यदि फर्स्ट पर्सन आए तो वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड आए ऑब्जेक्ट से, थर्ड चेंज नहीं होता, तो यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज करेंगे क्या आएगा, आई, मे को सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा माई में, आई माई लिव लॉन्ग, क्लियर, तो ये है हमारा आर एस विद ऑप्टेटिव सेंटेंस, आई होप कि आपके समझ में आई होगी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, जैसे दे, यदि साधु, दी साधु सेड टू देम, दी साधु सेड टू देम, मी यू सून डाई, मी यू सून डाई, देखो तो मैंने बताया आर एस विथ ऑप्टेटिव सेंटेंस, आर एस विथ ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है, आर एस का वैक किससे स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा, वैक के अंत में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, दोनों चीज आ रही है, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव है। अब बनाओ इसको कैसे बनाएंगे, तो बनेगा दी साधु सेड टू, अब किसका सेंस आ रहा, मे यू सून डाई, कि तुम शीघ्र ही मरो, ठीक है, साफ दे रहा है, तो हम लिखेंगे दी साधु कर्स, क्लियर, कि दी साधु कर्स देम, किससे जोड़ देंगे, दैट से, यू को चेंज करेंगे दैट से, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, दे मे को चेंज कर देंगे माइ में, दे माइ सोन डाई, क्लियर, तो ये था हमारा आर एस विद ऑप्टेटिव सेंटेंस, आई होप कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, थैंक यू, धन्यवाद।